नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरविंद बिंद, सेफ्टी ऑफिसर। मैं आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस, सड़क सुरक्षा जागरूकता के विषय में बात करने वाला हूँ। हम सबको एक बात पता है कि कोई भी मैटर हो या कोई भी सवाल हो या कोई भी बात हो जिसे सुलझाना हो या अच्छी तरह से समझना हो तो कोई ना कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। इसलिए हम आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस के रूल का इम्पोर्टेंस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कल कल बहती हुई नदी के तरंगों की उछाल को देखकर किसे उछलने कूदने का मन नहीं होता है। हम सभी को अच्छा लगता है, वो चाहे युवान हो या बच्चे हो या वृद्ध हो। पर क्या हमें पता है कि हर एक नदी बहकर कहाँ पर जाती है, उसके जीवन में ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके जीवन में इतनी उछल कूद क्यों है या कल कल करते हुए क्यों चलती है वो? शायद हम सभी को पता है कि उसके जीवन का ध्येय है सागर से मिल जाना। वो सागर में उसे जाना है, समुद्र में जाना है। अगर उसे समुद्र से मिलना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे कौन से नियम का पालन करना पड़ता है? उसे भी दोनों जो उसके किनारे हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसके दायरे में रहकर ही जाना पड़ता है। अगर वो दोनों किनारों को तोड़ देगी तो अपने ध्येय तक नहीं पहुंच सकती। हमारे जीवन में खुशियां भरी रहे, कोई दुर्घटना ना हो हमारे साथ, हमारे परिवार का भविष्य ना बर्बाद हो, उसके लिए हमें भी सड़क सुरक्षा नियम, साइट के गोल्डन सेफ्टी रूल्स या लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल, जिसे हम जीवन रक्षक सुरक्षा नियम भी कहते हैं, इनका पालन करना पड़ेगा। हर साल लगभग 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट हो जाता है। डेली कम से कम 20 लोगों का सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। या तो शराब पीने वाले के साथ होता है, या तो जो दूसरा व्यक्ति है रोड पर चल रहा है, या वो व्हीकल से हो सकता है या तो पैदल यात्री हो सकता है, उसके ऊपर चढ़ा सकता है। ट्रांसपोर्ट हजार्ड्स, हजार्ड है लॉस ऑफ कंट्रोल। ड्राइवर में लॉस कंट्रोल ऑन देयर व्हीकल ड्यू टू सेवरल रीजंस। फर्स्ट इज ड्राइवर इरर। अभी ड्राइवर इरर क्या होता है? या तो वो ओवर स्पीड में चला रहे, या तो वो इन्फ्लुएंस है विद द अल्कोहल। जो ईयरली डेटा है, ईयरली डेटा के मुताबिक कि डेली इन इंडिया 20 एक्सीडेंट ऐसा है जो ड्राइवर अल्कोहल यूज करके चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, उसके वजह से 20 एक्सीडेंट डेली हो जाते हैं। 20 एक्सीडेंट, या तो वो खुद के साथ भी एक्सीडेंट होता है, खुद को भी चोट लगता है उसको, और दूसरे लोग बेकसूर लोगों के ऊपर भी चढ़ा देता है। तो बट हम लोग मूवी में क्या देखते हैं अक्सर, कि जब हीरो ड्राइविंग करता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उसकी गाड़ी या तो खाई में जाके गिरती है या तो किसी ना किसी पेड़ से जाके टकराती है। लेकिन इन रियल लाइफ वो किसी ना किसी के ऊपर चढ़ा देता है अपना व्हीकल, या तो किसी ना किसी का लाइफ, किसी ना किसी के फैमिली के ऊपर चढ़ा देता है, किसी के फैमिली का जीवन रिउंड डालता है या बर्बाद कर देता है। तो हमें अल्कोहल यूज नहीं करना है। और सेकंड है एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन रहेगा तो हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल होता है ऑन द व्हीकल। मैकेनिकल फेलियर इन द व्हीकल, ये एक रीजन है। अपना सेकंड हजार्ड है कोलिजन विद द अदर व्हीकल, फिक्स द स्ट्रक्चर। जो गाड़ी टकराती है, या तो व्हीकल से टकराती है, या तो किसी पेडेस्ट्रियन से जो पैदल यात्री है, या विद द फिक्स्ड स्ट्रक्चर, एक हजार्ड है। एंड थर्ड हजार्ड है अपना कि ओवरटर्न में भी ड्यू टू ड्राइविंग ओवर पोथोल्स, ड्राइविंग ऑन अनइवन सरफेस एंड ड्राइविंग ऑन स्लोप। गाड़ी पलटी कब होता है? जहाँ रोड पे बहुत सारे खड्डे हैं, या फिर अनइवन है, या फिर स्लोप है, तब
तब जाके गाड़ी पलटी होता है। ये एक ट्रांसपोर्टिंग हजार्ड है, व्हीकल हजार्ड। एंड फोर्थ इज हजार्ड्स रिलेटेड टू व्हीकल ऑपरेशन, व्हीकल ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ड्राइविंग टू फास्ट, सेकंड ड्राइविंग विदाउट बैंक्समैन, थर्ड ब्लाइंड स्पॉट्स सच एज कॉर्नर्स एंड इंट्रेंसेस, ऑब्स्ट्रक्टेड विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा, पुअर डिजाइन ऑफ पेडेस्ट्रियन वॉकवेज एंड क्रॉसिंग पॉइंट्स, क्रॉसिंग पॉइंट साइड के रोड के ऊपर क्रॉसिंग पॉइंट्स नहीं है, या क्रॉसिंग पॉइंट का जो पेंट है वो चला गया, पता नहीं लोगों को क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ से क्रॉस करना है, या क्रॉसिंग पॉइंट का रूल नहीं पता है लोगों को। इन इंडिया 90% लोगों को क्रॉसिंग पॉइंट क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है वो नहीं पता है, आज भी नहीं पता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने जो हम रोड एक्सीडेंट रोड सेफ्टी वीक मना रहे थे 1989 से, रोड सेफ्टी वीक मना रहे थे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मना रहे थे, अभी तक अभी हम 32वां मना रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं इस साल। तो हमारे गवर्नमेंट ने अभी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ऐसा रोड सेफ्टी मंथ मनाने के लिए बोला है। क्यों बोला गया है कि हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, हम लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए। तो क्रॉसिंग पॉइंट क्या होता है कि जब पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करना है, पैदल यात्री को रोड क्रॉस करना है, वो तो क्रॉसिंग पॉइंट से क्रॉस करना है, या तो सबवे का यूज़ करना है, या तो ओवरब्रिज का यूज़ करना है। अभी क्रॉसिंग पॉइंट जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी नहीं पता है कि रूल क्या है, कि क्रॉसिंग पॉइंट के इधर जब आदमी खड़ा है तो रूल क्या है कि पहला फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, पेडेस्ट्रियन को दिया जाएगा, जो पैदल यात्री है। पैदल यात्री जब क्रॉसिंग करने वाला वहाँ पे खड़ा है तो पहला व्हीकल आएगा तो पहला वो रुकेगा, आगे नहीं जाएगा, वो पहला वो रुकेगा, पैदल यात्री आगे जाएगा, उसके बाद वो गाड़ी जाएगी। अगर ये अवेयरनेस सबके अंदर है, सबको पता हो, सब फॉलो करे, तो रोड एक्सीडेंट मिनिमाइज होगा। अभी हम लोग कुछ रोड सेफ्टी रूल्स के विषय में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जो हमने बात की अभी, यूज क्रॉसिंग पॉइंट्स टू क्रॉस द रोड। सेकेंड इज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। थर्ड इज यूज सीट बेल्ट। फोर्थ इज प्री यूज चेक ऑफ व्हीकल लाइक ब्रेक, हॉर्न, लाइट, वाइपर, टायर एक्सेट्रा। थैंक्स।